आप सबको अनुराधा का नमस्ते। और आज मैं बात करूंगी अपने इस पीली चमेली के प्लांट के बारे में। खुद की लगाई हुई कटिंग अगर इतनी अच्छी ग्रो हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, और जब उसमें फूल लगते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो आज मैं इसी प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी। एक साल पहले मैं कुछ टहनी लेकर आई थी पीली चमेली की, और ये प्लांट कहीं झाड़ियों में लगा हुआ था। इसकी पत्ती को पहचान कर मैंने इसकी 4-5 टहनियाँ कुछ तोड़ ली थी। और ये देखिए, इसकी जो आप टहनी तोड़ें तो ऐसी होनी चाहिए, सॉफ्ट वुड ना हो, थोड़ा सा ग्रीन और ब्राउन इस तरह की हो। इसमें कुछ एरियल रूट्स भी आ रही हैं। और आपको क्या करना है कि आप उसके कुछ 8-8 इंची की टहनियाँ काट लीजिए, और आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं इसको, और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। टहनियों की जो नीचे से कुछ 4-5 पत्तियां तोड़कर आप सादे पानी में आप लगा लीजिए, और लगाने के बाद आप इसको छाया में रख दीजिए। हफ्ते 10 दिन में ही आपको इसके अंदर रूट्स नज़र आ जाएंगी। बस इसे आप धूप में मत रखिए, ध्यान रखें कि इसका पानी ना सूखे। और ये देखिए, कुछ टहनी मैंने मिट्टी में लगाई है। अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो ऐसे प्लांट के साथ लगाइए जो कि अच्छी ग्रोथ पर हो। अब 10 दिन बाद देखिए कि इसके अंदर रूट्स आ गई हैं। ये देखिए, एरियल रूट्स भी हैं। आप चाहें तो एरियल रूट्स से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसको आप फिर जब इसकी जड़ें थोड़ी बड़ी हो जाएं तो आप इसको मिट्टी में लगा लीजिए। और मिट्टी में जब भी लगाएं तो थोड़े वेल ड्रेन मिट्टी हो, सॉफ्ट हो, क्योंकि जो पानी से जब हम जड़ें ग्रो होती हैं, पानी के अंदर जब जड़ें ग्रो होती हैं तो उसके लिए थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, ताकि प्लांट जो है वो कटिंग जो है जम सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, एक गुलाब का प्लांट जो कि बहुत अच्छा था, उसी में मैंने कटिंग लगाई थी, और इसमें देखिए नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और बस ध्यान ये रखना है आपको कि ये टहनियों को हिला हिला के नहीं देखना, कटिंग को हिला हिला के नहीं देखना, और पानी का थोड़ा ध्यान रखना है। किसी और प्लांट के साथ लगाने के लिए इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपको पानी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जो भी प्लांट में पानी डालेंगे उसी से इसका काम चल जाएगा, कटिंग का। कटिंग ख़राब होने के चांसेस भी नहीं रहते। और जब प्लांट बड़ा हो गया तो मैंने इसे एक कंटेनर में शिफ्ट कर लिया, और ये देखिए कितना सुंदर फूल लगा है इसके अंदर। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फूल। आप चाहें तो इसे ज़मीन पे लगा सकते हैं, ज़मीन पे वैसे ही बहुत अच्छा ग्रो करता है, और ये मार्च में ही, फरवरी मिड और मार्च में ही फ्लावरिंग करता है। एक कटिंग मैंने और लगाई है, और ये भी देखिए ग्रो हो गई है। तो ये लगाना तो बहुत ही आसान है, और अभी भी आप इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो आपको आने वाले नेक्स्ट सीज़न में इसको फ्लावरिंग मिल जाएगी आपको। बस फिर मैंने इसको रीपॉट किया, और मैंने बरसातों में इसको रीपॉट कर लिया, सेपरेट कर लिया, और एक किसी एक गमले में इसको लगा लिया है। और जब हमारा प्लांट गमले में होता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में इसकी जो लंबी लंबी टहनियाँ जाती हैं उसे हम कट कर दें, ताकि इसकी नई नई शूट्स निकल सकें और इसकी ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट हेल्दी हो। तो मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग की, और ये देखिए जब न्यू ग्रोथ होती है तभी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और बात कर लेते हैं इसके केयर की। ये मैंने एक मेरे पास मॉप रखा था, उसी का डंडा लगा दिया सारा लगाने के लिए। और ये देखिए, आप इसे पानी तब दें जब थोड़ी इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए। इसकी जो जड़ें होती हैं ये बड़ी रेशेदार जड़ें होती हैं, और ये पानी को बहुत अच्छे से चूस लेती हैं। तो आप इसका यही ध्यान रखें। और इसमें जो मैंने एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी, एक भाग खाद, और इसमें डाला था 2-3 मुट्ठी बोन मील, और डाला था नीम की खली और फंजीसाइड। और उसके बाद
जब ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा था तब उसके बाद इसको दिया था फर्टिलाइज़र, जिसके नीचे देखिए कंटेनर मेरा छोटा है तो मैंने इसके नीचे एक प्लेट रख दी है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ तो वो मैं इसमें देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जैसे सरसों की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र और कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र और कोई भी जैसे चाय की पत्ती डाल दी और साथ में पानी डाल दिया ताकि वो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहे। और बीच बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे कोई पेस्ट ना लगे, तो आप नीम ऑयल का भी ध्यान रखें, नीम ऑयल स्प्रे करते रहें। ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर फूल आते हैं। चमेली दो तरह की होती है, और एक होती है पीली चमेली और एक होती है सफ़ेद चमेली। पीली चमेली में खुशबू नहीं होती लेकिन इनके फूल बहुत सुंदर दिखते हैं बसंत में, और बहुत ही सुंदर आपका गार्डन भी दिखेगा। लाइट लेमन कलर के होते हैं इसके फ्लावर, और लाइट लेमन या लेमन कलर के फ्लावर होते हैं इसके। और मैं आपको बताती हूँ, जो पीली चमेली होती है उसके अंदर देखिए तीन पत्ती वाला इसकी जो पत्ती होती है इस तरह की होती है, जिसमें तीन पत्तियाँ दिखती हैं आपको। और जो हमारी सफ़ेद चमेली होती है उसमें बहुत खुशबू आती है, वो हमारे को मार्च में, मार्च के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है, और अक्टूबर तक उसमें फ्लावरिंग होती है, अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। बहुत ठंड के अंदर वो फ्लावरिंग नहीं करता, वो भी अगर आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको उसके सात पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सात पत्ते इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कहीं लगा हो ये प्लांट तो आप पहचान करके उसे कट करके ला सकते। बात कर लेते हैं कि हमारे प्लांट को फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी पीली चमेली के पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर खूब धूप आती है, और धूप में ही इसके अच्छे फ्लावर्स भी आते हैं। अगर आप इसे छाया में रख देंगे तो ग्रीनरी तो रहेगी पर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चलते चलते आप देख लीजिए कि मेरे गार्डन में कितने सारे फूल और कलियाँ लग रही हैं। तो ये देखिए पिटूनिया जो कि